गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज की इस वीडियो में हम पीएचपी का ओवरव्यू देखेंगे। पीएचपी क्या काम में आती है, क्या इसकी कैपेसिटीज़ है, क्या इसकी कैपेबिलिटी है, क्या इसके एडवांटेजेज हैं। तो पीएचपी, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी है वो एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि डायनेमिक कंटेंट बनाने के काम में आती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का क्या मतलब है। आपने एचटीएमएल पढ़ा होगा। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो पीएचपी क्या करता है? हाइपर टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करता है। हाइपर टेक्स्ट किस में आता है? एचटीएमएल में। तो एचटीएमएल कहाँ पर दिखाई देती है? क्लाइंट की मशीन पर, ब्राउजर के अंदर। तो वो आती कहाँ से है? पीएचपी रन करती है सर्वर मशीन पर, और पीएचपी का जो आउटपुट होता है वो होता है एचटीएमएल, और वो एचटीएमएल क्लाइंट मशीन पर जाके रन होती है। तो पीएचपी क्या करता है? हाइपर टेक्स्ट को प्री प्रोसेस करता है। पीएचपी का जो आउटपुट है वो आता है एचटीएमएल में, और एचटीएमएल सर्वर ब्राउज़र के ऊपर सेंड कर देता है एचटीएमएल कोड को। एचटीएमएल कोड का फाइल एक्सटेंशन होता है .html। ये ब्राउज़र पर, क्लाइंट मशीन पर रन होता है। तो ये तो हो गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। उसके बाद में हमने बताया कि ये वेबसाइट बनाने के काम में आता है। हम वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट कहाँ रन होती है? सर्वर मशीन पर। वो कैसी वेबसाइट? डायनामिक कंटेंट। दो तरह का होता है, एक स्टेटिक होता है और एक डायनामिक होता है। स्टेटिक का मतलब ये होता है कि उस वेबसाइट के अंदर फ्रीक्वेंटली चेंजेज नहीं होते हैं। जैसे सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए जो वेबसाइट्स होती है, जैसे किसी स्कूल की हो गई, कॉलेज की, जो सिर्फ वेबसाइट, जिस वेबसाइट पर सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, उस पर नॉर्मली इतनी जल्दी जल्दी हम चेंज करते नहीं हैं। और कभी चेंज करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो हमें उसका जो कोड है उसको चेंज करना पड़ता है, एचटीएमएल कोड को। तो सिर्फ एचटीएमएल की हेल्प से हम स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें डायनामिक वेबसाइट बनानी है, डायनामिक मतलब जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, ठीक है, जैसे शेयर मार्केट वेबसाइट देखो। अब शेयर मार्केट का जो किसी भी शेयर का है वो, उसके जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसे ही खूब सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर हर सेकेंड, हर मिनट या हर घंटे में या डेली चेंजेज होते रहते हैं। तो वो वेबसाइट सिर्फ एचटीएमएल की हेल्प से हम नहीं बना सकते। तो कई तरीके हैं डायनेमिक वेबसाइट बनाने के। तो पीएचपी भी एक तरीका है उनमें, जिससे हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। अब डायनेमिक वेबसाइट में हर सेकंड, हर मिनट में वो डेटा चेंज कैसे हो रहा है? क्योंकि हम कोड को तो इतना फास्ट चेंज कर नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है? डेटाबेस होता है, उसके बैकग्राउंड में, बैकएंड में डेटाबेस रहता है, और वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। तो जैसे जैसे डेटाबेस चेंज होता रहता है उसका डेटा, जैसे अभी COVID-19 के जो केसेस हैं उनका हम देखते हैं, तो कितने केसेस बढ़े हैं, कितने रिकवर हुए हैं, वो डेली बेसिस पर चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे डेटाबेस में चेंज होगा, वेबसाइट पर जो डिस्प्ले आ रहा है वहाँ पर भी चेंज होता रहेगा। तो ये याद रखना है कि जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती है उनमें डेटाबेस की ज़रूरत नहीं होती है। डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ एचटीएमएल में भी उनको बनाया जा सकता है। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट है उसमें डेटाबेस की ज़रूरत है। डेटाबेस की ज़रूरत है तो कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो डेटाबेस से कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पर एचटीएमएल है वो हम काम में ले रहे हैं, पीएचपी काम में ले रहे हैं। पीएचपी है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो एचटीएमएल में एम्बेडेड है। मैंने बताया एचटीएमएल का रन होती है क्लाइंट मशीन पर,
ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है? जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, वो क्लाइंट साइड की है। तो HTML और जावा स्क्रिप्ट रन होती है क्लाइंट मशीन पर, PHP रन होती है सर्वर पर। PHP का उपयोग डायनेमिक कंटेंट, डेटाबेस, सेशन ट्रैकिंग और यहाँ तक कि जो संपूर्ण ई कॉमर्स वेबसाइट है वो बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी वेबसाइट्स भी हम PHP से बना सकते हैं। इसके अंदर, इसके PHP के साथ में हम कई तरह के जो डेटाबेस हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इतनी इसके अंदर कैपेबिलिटीज है। हम चाहे तो MySQL काम में ले सकते हैं इसके साथ में, पोस्ट GRESQL ले सकते हैं, ओरेकल ले सकते हैं, सी बेस ले सकते हैं, इन्फॉर्मिक्स ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर काम। तो इतने तरह के डेटाबेस हैं, उनमें से कोई भी एक डेटाबेस हम इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, सबके साथ में ये काम करने में सक्षम है। तो ये इसकी कैपेबिलिटी हो गई PHP की, कि कई सारे डेटाबेस हैं उनमें से कोई भी डेटाबेस आप काम में ले सकते हो इसके साथ में। PHP अपने एग्जीक्यूशन में फास्ट है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इसकी खूबियाँ बता रहा हूँ, आप इसकी विशेषताएँ बता सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं इससे, एडवांटेज पूछ सकते हैं आपसे, कैपेबिलिटीज या इसकी कैपेसिटीज़ पूछ सकते हैं, कैसे भी आपको एग्ज़ाम में घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन चीज़ें यही आएंगी उनमें। PHP POP3 IMAP LDAP जैसी बड़ी संख्या में प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। तो जो मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स हैं ईमेल्स के लिए काम में आते हैं, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, IMAP है, LDAP है, इनको सबको ये PHP सपोर्ट करता है। और PHP 4 में तो जावा के लिए भी सपोर्ट जोड़ा गया है। अब PHP क्या करता है, फॉरगिविंग नेचर होती है इसकी, ये माफ़ कर देता है किसको, प्रोग्रामर को। अब इसमें माफ़ करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जैसे C++ है, जावा है, उनकी तरह स्ट्रिक्ट नहीं है वो लैंग्वेज, क्या है, स्ट्रिक्टली टाइप्ड है, कि जैसा लैंग्वेज के अंदर बताया गया है बिल्कुल वैसा ही आपको टाइप करना है, नहीं तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर हम PHP में देखते हैं कि ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ये लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, फेमिलियर है, आपको माफ़ कर देगी, आप छोटी मोटी गलती कर देते हो तो भी। तो कैसे ये माफ़ करती है, क्या मतलब है माफ़ करने का यहाँ पर, ये भी हम आगे देखेंगे। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोई भी जब वेरिएबल बनाते हैं तो C++ जावा ज़्यादातर लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है, जब उसको डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम बताना होता है कि ये किस टाइप का होगा, किस टाइप की वैल्यू इसमें आएगी। अगर आपने इंटीजर बना दिया तो उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू ही आप स्टोर करवा सकते हो, दूसरी तरीके की नहीं करवा सकते। लेकिन PHP में क्या होता है, आप एक वेरिएबल बनाओगे और उसका टाइप आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप जिस तरह की वैल्यू असाइन करोगे उसी तरह का वो बन जाएगा। PHP का सिंटेक्स है वो C के जैसे ही होता है लगभग। अब कुछ कॉमन यूजेज है PHP के, क्या सामान्य उपयोग हैं, तो PHP किसी सिस्टम के ऊपर फाइल्स को बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और उसको क्लोज कर सकता है। PHP है वो फोरम्स को हैंडल कर सकता है, यानी फाइल से डेटा इकट्ठा करके, उनको गैदर करके डेटा को फाइल में सेव कर सकता है और ईमेल के माध्यम से आप डेटा भेज सकते हैं, यूज़र को डेटा वापस कर सकते हैं। तो ये सारे काम PHP कर सकता है। आप PHP के माध्यम से अपने डेटाबेस के भीतर
एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया पीएचपी है वो कई सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है, तो उन डेटाबेस सर्वर्स को काम में लेके हम डेटाबेस के अंदर चेंजेज कर सकते हैं। कुकीज वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, कुकीज़ को सेट कर सकते हैं। कुकीज़ के अलावा सेशंस है, उनके साथ भी हम काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया किसी भी वेबसाइट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए होती है वो हम सबसे बड़ा एग्जांपल हम लेते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में जितने फीचर्स होते हैं इतने फीचर एक साथ किसी भी दूसरी वेबसाइट में नहीं मिलेंगे। तो जब हम